नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों आपके पूरे परिवार का तमाशा बना देगी घर की यह एक औरत। मित्रों, इतना बड़ा कांड आपके जीवन में होगा कि किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे। अभी भी वक्त है मित्रों, संभल जाओ, क्योंकि ये कांड कोई छोटा मोटा कांड नहीं है। इस कांड के बाद मित्रों पूरा परिवार बिखर जाएगा। और आखिर आपके घर की यह कौन औरत है और क्यों परिवार का तमाशा बनाने पर मित्रों तुली है? एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना और बड़े ही ध्यान से सुनना मित्रों, क्योंकि दिनांक 27 जून से लेकर 31 जून तक, यानी कि इन 5 दिनों में बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। मित्रों, सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, आपको क्या सावधानियां बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन से शुभ और कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 5 दिनों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको मित्रों उन चीजों से धीरे धीरे दूर होते जाना है जो आपको तकलीफ दे रही है और जो आपको नकारात्मक बना रही है। क्योंकि मित्रों, आपने पिछले समय में भी यही गलती की थी कि आप नकारात्मक व्यक्तियों की तरफ और नकारात्मक चीजों की तरफ बहुत अधिक प्रभावित हो रहे थे और खींचे चले जा रहे थे। तो इस बार उस गलती को दोहराने से बचना होगा। वहीं आप सभी को बता देते हैं कि मित्रों, समय बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ दुख मिल रहा है, नहीं मित्रों, आपको बता देते हैं कि तनाव से बचें और किसी भी काम की जिद आपको नहीं करना है। जीवन में जो नए लोग आपको मिल रहे हैं, नए लोगों के साथ हो रहे परिचय की वजह से काम का विस्तार आसानी से हो सकता है, और होने वाली सकारात्मक घटनाओं के कारण आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। मित्रों, आपका मन भी थोड़ा सा व्यवस्थित रहेगा, और जीवन में मित्रों जिन जिन चीज़ों से आपको सकारात्मकता प्राप्त होती है उनसे जुड़े रहें। स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन बना कर रखें, बिल्कुल भी आपको मित्रों अकड़ नहीं दिखानी है। करियर से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रेनिंग आपको मिल सकती है, और पार्टनर के निर्णयों को अपनाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। कमर दर्द की परेशानी आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शरीर के दर्द को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, और इस समय ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से छात्रों में उत्साह रहेगा। मित्रों, आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने में सफल रहेंगे, और आलस और मौज मस्ती में ज़्यादा समय नष्ट ना करें मित्रों, क्योंकि आलस और मौज मस्ती में ही आप हर बार महत्वपूर्ण एवं जरूरी कार्यों को टाल देते हैं और फिर बैठे बैठे रोते हैं। शांति और प्रसन्नता जीवन में रहेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा मित्रों। व्यापार में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करने की आपको जरूरत है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो हुआ सो हुआ। अब मित्रों, आपको थोड़ा सा जीवन में सीरियस हो जाना है, थोड़ा सा आपको निश्चय कर लेना है। कुछ खास फैसले आपके जीवन के लिए हो सकते हैं,
लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले परिवार वालों की सलाह आपको जरूर लेनी है। हिसाब किताब के मामले में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी और इसमें आप मुसीबत से बच सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाएगा या आपको बदनामी के जाल में बुनेगा तो आप बच सकते हैं। मित्रों, स्त्रियां घरेलू साज सामान की खरीदारी कर सकती है जिसमें थोड़ा सा खर्चा भी हो सकता है। अब मित्रों, आखिर आप कमाते किसके लिए हैं? घर परिवार के लिए कमाते हैं, तो घर परिवार के ऊपर खर्च करने से मित्रों मत घबराइए। युवाओं को समय बर्बाद करने की बजाय टेक्नोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। रुपये पैसे संबंधित किसी भी तरह का लेन देन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, परंतु किसी के साथ संबंध भी ना बिगाड़े मित्रों, क्योंकि संबंध एक बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं। मित्रों, लोग तरस जाते हैं अच्छा रिश्ता पाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए। परमात्मा की कृपा से आपको मिला है तो आप निभाने की कोशिश करें और फाइनेंस से संबंधित कार्यों को मजबूत रखें। मित्रों, हार्डवेयर से जुड़े कारोबार में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन सकती है। रुका हुआ इनकम सोर्स फिर से शुरू हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें और पार्टनरशिप संबंधित कार्यों में थोड़ा सा अस्त व्यस्तता का माहौल रहेगा। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखने में आपका मित्रों विशेष योगदान रहेगा और आपके बिना मित्रों एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि घर परिवार में माहौल जो है व्यवस्थित बनाकर रखें। और हाँ, इस समय अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, वर्तमान मौसम के प्रति सावधानी रखने से आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और हाँ, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बड़े काम पूरे होंगे। निराशा की वजह से जिन कामों में आपकी रुचि कम हुई है उन पर ज़्यादा ध्यान दें और काम से अधिक अन्य बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो दिक्कतें हो सकती हैं मित्रों। इसलिए अन्य बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। सफलता मिलने से पछतावा नहीं होगा, लेकिन सफलता मिलने से बहुत कुछ अपने जीवन में आप पा लेंगे। अपने काम में पारंगत होने के लिए प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है और गलत व्यक्तियों की बातों की वजह से रिलेशनशिप से संबंधित दिक्कत हो सकती है। हर किसी की बात में नहीं आना है, अपना जीवन अपना फैसला आपको स्वयं को लेना है। खुद को रचनात्मक बनाए रखने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना प्रफुल्लित देगा। नए विचारों पर अमल करना कारगर रहेगा और प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और मजबूत करें मित्रों। यह संबंध भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति रहेगी। यानी कि एक तरफ पैसा आएगा तो दूसरी तरफ मित्रों उसी मात्रा में उसी रास्ते के द्वारा पैसा जाएगा भी। अतः बजट बनाकर चलना जरूरी है, साथ ही क्रोध और ईगो पर भी नियंत्रण रखें तो परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेगी और किसी से भी कोई वादा ना करें। वादे करें तो फिर वादे निभाने की भी क्षमता रखें। बिजनेस के सिलसिले में कुछ फैसले तुरंत लेने पड़ सकते हैं और अंदरूनी व्यवस्था और कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव करने की आपको जरूरत है। मित्रों, प्रभावशाली लोगों के कांटेक्ट में रहें और जनसंपर्क आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर रखें और प्रेम संबंधों को भी विवाह हेतु पारिवारिक सहमति मिलने से और अधिक प्रगाढ़ता आएगी ही आएगी। लेकिन मित्रों, जैसा आप सोच रहे हैं कभी हो सकता है कि वैसा ना हो, तो स्वयं को सकारात्मक बनाकर रखने का पूरा प्रयास आपको करना होगा। तो आइए, अब वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो
अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाए।